करण्यासाठी त्याची जात लिहावं लागतं अशा पद्धतीची व्यवस्था केंद्र सरकारने केलेली आहे आणि आज सांगलीमध्ये जो प्रकार घडला तो संपूर्ण देशामध्ये शेतकऱ्यांची जात नसते, शेतकरी हा देशासाठी काम करतो, तो जात जातीच्या आणि धर्माच्या पलीकडे जाऊन शेती करतो आणि या देशाच्या जनतेचं पोट भरतो। यामध्ये नरेंद्र मोदीचं भाजपचं सरकार आता खत घ्यायचं असेल तर त्याची जात लावावं लागतं। या पद्धतीचं नवीन धोरण आणून शेतकऱ्यांची जातीनिहाय विभागणी करायची। मग सातत्यानं आम्ही सांगतो की जो सेन्सेस चाललेला आहे तो जातीनिहाय सेन्सेस करावा, ते करायचं नाही। धर्म आणि जातीच्या नावाने राजकारण करून शेतकऱ्यांना आत्महत्या करायला बाध्य करणं जी काही भूमिका आहे त्याचा निषेध नरेंद्र मोदींच्या सरकारचा आम्ही करतो। आणि आज स्वतः राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की आमच्या सरकारने केलेलं नाही, हा केंद्र सरकारने केलेला आहे, आम्ही केंद्र सरकारला कळवतो आहे, अशा पद्धतीची भूमिका राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात मांडलेली आहे। हिंदी में जाना चाहेंगे इस तरह से आपने देखा होगा कि आज सांगली के किसान को फर्टिलाइजर लेने जब गया तो उसको उसकी जात पूछी गई और जब ये विषय अब सभागृह में आया तो वो विषयों को हमने उठाया तो राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने किया नहीं, केंद्र सरकार ने किया। हम केंद्र सरकार के नरेंद्र मोदी की सरकार को पूछना चाहते हैं कि जब सेंसस करने की बात होती है, जाति निहाय जनगणना करने की बात हम लोग करते हैं, केंद्र सरकार वो करने को तैयार नहीं, क्योंकि देश में जो विविध जाति में लोग हैं उनकी आर्थिक परिस्थिति क्या है, उनकी सामाजिक परिस्थिति क्या है, उनकी शैक्षणिक परिस्थिति क्या है, वो रिपोर्ट अगर सामने आ जाएगा तो वो डरावना रहेगा। और इसलिए ये डर के माध्यम से वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार ये जाति निहाय सेंसस ओबीसी का नहीं कर रही है, लेकिन फर्टिलाइजर लेने के लिए किसानों को उसकी जात लिखने को जब कहती है तो ये दोगली नीति जो है, किसान की कोई जात नहीं होती, किसान का कोई धर्म नहीं होता, किसान देश के लिए खेती में काम करकर फसल निकालता है और देश के लोगों का पेट भरता है। और ऐसी ऊंची हरकत नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार जो कर रही है उसकी भूमिका राज्य के मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में रखा कि हमारी सरकार ने किया, केंद्र की सरकार ने किया है, इसका हम निषेध करते हैं। देखो सब धर्मों को न्याय मिलना चाहिए, सब जाति को न्याय मिलना चाहिए, इसमें कोई दुमत नहीं है। लेकिन जो कल जो बजट रखा गया है उसमें जो लोगों का नाम लिया गया है, उस जाति का नाम लिया गया है, सिर्फ उनका नाम लिया गया है, उनको कितना क्या मिलेगा वो आज तक के अनुभव के आधार पर, क्योंकि 2014 से 2019 में देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री थे, तब भी विविध जाति के लोगों को फंसाया था। आज के कल का बजट भी जो है वो फंसाने वाला है, उसका पोस्टमार्टम अब सोमवार से हम लोग शुरू करेंगे। और मुझे लगता है कि असलियत ये बजट के पोस्टमार्टम में हम जनता के सामने लाएंगे। शेतकऱ्यांची जात यादी विचारली जात नव्हती, मात्र आताची जात विचारली जाते, याबाबत उद्देश काय असू शकतो? हे नरेंद्र मोदीच्या सरकारची ओछी हरकत आहे। जर घ्यायसाठी अगर जात लागत असेल तर इंद्राच्या सरकारच्या डोक्यामध्ये काय भरलेलं आहे हा प्रश्न एक निर्माण होतो। रोज खतावरची सबसिडी कमी केली जाते, रोज खताचे दर वाढवले जातात, रोज डिझेलच्या किमती वाढवल्या जातात, आणि या पद्धतीची ओछी हरकत करून शेतकऱ्यांची जात आणि धर्म नसतो। तर मी शेतकरी हा शेती पिकवतो त्यावेळेस तो कुठल्या जातीचा किंवा धर्माचा आणि मी पिकवलेलं धान्य कोणाच्या पोटात जाणार आहे हे बघत नाही। पण जे शेतकरी विरोधी धोरण जे नरेंद्र मोदीच्या सरकारने सातत्यानं धारण केलेलं आहे त्याचाच असर आपल्याला या खत घेताना जात विचारली जाते आहे त्याच्यावरचं आपल्याला पाहायला मिळतं।